नमस्कार यार, अभी ऑफिस ही जा रहा था कि रास्ते में खबर पता चली, सोचा आप लोगों को बताता हुआ बढ़ूं क्योंकि इंपॉर्टेंट खबर है। अच्छा, फोन कॉल की हमने आपको एक खबर बताई थी महेंद्र सिंह धोनी को लेकर, जो फोन कॉल आना शुरू हुआ है और ये फोन कॉल एक बार फिर एन श्रीनिवासन का है। अच्छा देखिए, इस वक्त पे क्या है ना, चेन्नई की सुपर किंग्स की टीम में एक पैनिक सिचुएशन तो क्रिएट हुआ होगा, टीम के कप्तान की तरफ से नहीं, ना ही टीम के ओनर की तरफ से, बल्कि प्लेयर खुद सोच रहे होंगे कि यार ये ना थोड़ा इनसिक्योरिटी का सेंस है और यहाँ पर जो है ना चीजें वो थोड़ी हमारे पक्ष में जाती हुई नहीं नजर आ रही है। मतलब चेन्नई के ऊपर जिस तरह की उम्मीदों का भार रहता था वो हमने लगातार देखा है और चेन्नई की टीम ने कभी ऐसा लगने ही नहीं दिया हम लोगों को कि यार इस टीम के ऊपर कोई प्रेशर है, कोई परफॉर्मेंस प्रेशर है या कोई दबाव है इस टीम के ऊपर, जैसे हमने बाकी टीमों पर बहुत ज्यादा देखा है। प्रीति जिंटा का गुस्सा शायद आप लोगों को नहीं पता होगा लेकिन बहुत गुस्सा करती है, वीरेंद्र सहवाग बता रहे थे। कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए शाहरुख खान की जिद, सौरभ गांगुली को बाहर कर दिया था, उसके बाद गौतम गंभीर को बाहर किया। दिल्ली ने किस तरह से बीच सीजन में गौतम गंभीर को कप्तानी से हटा के श्रेयस अय्यर को दे दिया था। तो फ्रेंचाइजीज बहुत जिद्दी होती है और बहुत जिद्दी होने के साथ साथ बहुत दबाव भी बनाती है, लेकिन मुंबई और चेन्नई ये दो ऐसी टीमें हैं जिनकी फ्रेंचाइजी कभी इस तरह का दबाव नहीं बनाती और यही वजह है कि अब जो हम एक तस्वीर निकल कर देख रहे हैं वो ये कि चेन्नई के ऊपर किसी तरह का दबाव नहीं है। हमें जो सोर्सेस बता रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि महेंद्र सिंह धोनी से लगातार बातचीत चल रही है टॉप लेवल की और टॉप लेवल हमेशा उन्हें ये कह रहा है कि कोई दिक्कत नहीं है यार, आप जब तक मैदान पर उतर कर अपना बेस्ट दे रहे हो हमें कोई शिकायत नहीं है, हार और जीत लगी रहती है। देखिए, ये वो टीम है जो 12 सीजन्स तक प्लेऑफ में पहुंची है, ये वो टीम है जो तकरीबन 8 बार फाइनल खेली अगर मैं गलत नहीं हूं तो, और ये वो टीम भी है जो 3 बार चैंपियन बनी है। तो इस टीम ने ऊंच नीच भी बहुत देखी है यार, दो सीजन ये टीम बाहर रही है आईपीएल से, तो इस टीम को पता है कि कैसे चीजों को हैंडल करना है। इस टीम के पास दुनिया का सबसे बढ़िया कैप्टन है, कैप्टन कूल जिसे हम कहते हैं, जो हर तरह की परिस्थिति में अपना जो कूल कामनेस है ना वो बनाए रखता है, वो भावशून्य कप्तान है। उसको ना आप चिल्लाते हुए देखेंगे, ना चिढ़ते हुए देखेंगे, ना खिलाड़ियों को डांट लगाते हुए देखेंगे, सबके सामने नहीं लेकिन अकेले में डांट लगाते हैं। मोहित शर्मा का मैंने एक इंटरव्यू किया था आईपीएल से पहले, वो बता रहे थे कि किस तरह से महेंद्र सिंह धोनी अलग ले जाके डांटते हैं और मैदान की बात को मैदान पर ही छोड़ देते हैं। यही बात मुझे दीपक चाहर ने भी बताई थी इंटरव्यू में कि कैसे महेंद्र सिंह धोनी इस तरह के कैप्टन है ही नहीं कि वो दबाव बनाए आपके ऊपर, परफॉर्मेंस प्रेशर रखे, वो ट्रस्ट करने वाले खिलाड़ियों की इंस्टिंक्ट पर ट्रस्ट करते हैं, उनके कॉन्फिडेंस पर ट्रस्ट करते हैं और उसके बाद चीजों को होने देते हैं जैसे हो रहा है। तो महेंद्र सिंह धोनी को फोन कॉल्स पर इस वक्त यही कहा जा रहा है चेन्नई की जो टॉप ऑफिशियल हमें बता रहे हैं, जो सोर्सेस हमें बता रहे हैं कि किसी तरह का कोई दबाव नहीं है, कॉल पर बातचीत लगातार जारी है और बातचीत में कहा जा रहा है कि आप लोग अपना बेस्ट दीजिए, नतीजों की चिंता मत कीजिए, नतीजा जो भी आएगा देख लिया जाएगा यार, उसको लेकर के कोई बहुत ज्यादा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है या बहुत ज्यादा दबाव बनाने की कोशिश नहीं की जा रही है। इसीलिए ये एक ऐसा सिग्नल है चेन्नई के लिए जो कि मुझे लगता है चेन्नई के लिए टर्न अराउंड कर सकता है चीजों को अभी भी, क्योंकि कप्तान महेंद्र सिंह धोनी है और कोई भी टीम होती ना तो ये कहना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता, लेकिन अगर ये टीम 5 मैचेस यहां से जीत जाती है लगातार तो ये टीम प्लेऑफ्स में पहुंच जाएगी बहुत आसानी से, क्योंकि इस टीम का नेट रन रेट भी अच्छा है। तो फोन कॉल आई लेकिन फोन कॉल में किसी तरह के घबराने वाली बात नहीं है, बाकी टीमों की तरह किसी तरह का कोई दबाव नहीं बनाया गया। बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए, अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। देखिए, गाड़ी से रुका हूं, चलती हुई गाड़ी, और ये भी सोचा कि गाड़ी ना चलाऊं, रुक कर आप लोगों से बात करूं और आप लोगों को ये ब्रेकिंग न्यूज दूं। बहुत बहुत शुक्रिया, शेयर कीजिए ज्यादा से ज्यादा।